वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम है तो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की नई शिक्षा नीति में अंग 5 किस स्टेज का परिचायक है? भारत की नई शिक्षा नीति में अंग 5 फाउंडेशन स्टेज का परिचायक है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में किस कक्षा से कौशल विकास कार्यक्रम लागू होगा? नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से कौशल विकास कार्यक्रम लागू होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस बोर्ड परीक्षा को विलोपित किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में 10वीं बोर्ड परीक्षा को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, एनईपी का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एनईपी का गठन हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एडुकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार शिक्षा नीति आई है? भारत में 3 बार शिक्षा नीति आई है, 1968 में, 2020 में तथा 1986 में। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन किस तरह का कमीशन था? कोठारी कमीशन किस तरह का कमीशन था तो शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा नीति आयोग से संबंधित नहीं है? शिक्षा नीति आयोग से संबंधित नहीं है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि मेकाले, कोठारी तथा कस्तूरी रंजन, यह तीनों शिक्षा नीति आयोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक साथ एक से अधिक कोर्स का शिक्षण व्यवस्था किस शिक्षा नीति में है? एक साथ एक से अधिक कोर्स का शिक्षण व्यवस्था कस्तूरी रंजन शिक्षा नीति में है। अगला प्रश्न है, एनईपी शिक्षा नीति 2020 के तहत एक साथ कितने कोर्सों को प्रावधानित किया गया है? एनईपी शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 कोर्सों को प्रावधानित किया गया है एक साथ। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई है? नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आई है 2020-21 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा नीति का पैटर्न स्वरूप क्या है जिससे शिक्षण कार्य होता है? वर्तमान शिक्षा नीति का पैटर्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, अद्यतन शिक्षा नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अद्यतन शिक्षा नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक के छात्रों को अंग्रेजी भाषा से मुक्त रखा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक के छात्रों को अंग्रेजी भाषा से मुक्त रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है? तो दोस्तों, वह आयु वर्ग हो जाएगा 3 से 18 वर्ष। 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है।
अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति पूर्व के किस शिक्षा नीति का स्थापन है? तो दोस्तों यह स्थापन है शिक्षा नीति 1984-86 का। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 पूर्व शिक्षा नीतियों के आधार पर कितने नंबर पर है? नई शिक्षा नीति 2020 पूर्व शिक्षा नीतियों के आधार पर तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के आधार पर किस कोर्स को हटा दिया गया है? तो दोस्तों वह कोर्स का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MPHIL। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किस कक्षा तक के मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करने पर जोर देता है? नई शिक्षा नीति 2020 कक्षा 5 तक के मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न है, स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों का प्रावधानित किया गया है? स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 में 4 वर्षों का प्रावधानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्षों बाद पूर्व की शिक्षा नीति से अब नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 वर्ष बाद। 34 वर्ष बाद पूर्व की शिक्षा नीति से अब नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर पूर्व प्राथमिक स्कूलिंग कितने वर्षों का होगा? नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर पूर्व प्राथमिक स्कूलिंग 3 वर्षों का होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 से 12 तक की कक्षागत परीक्षाएं प्रति वर्ष कितने सेमेस्टर में संपन्न हुआ करेगी? तो दोस्तों यह संपन्न होगी 2 सेमेस्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं, NEP 2020 के तहत इंटीग्रेटेड BEd कोर्स किस अन्य कोर्स के साथ संपन्न होगा? NEP 2020 के तहत इंटीग्रेटेड BEd कोर्स स्नातक कोर्स के साथ संपन्न होगा। अगला प्रश्न है, OJT से तात्पर्य निम्न में से कौन है? OJT से तात्पर्य है परिशिक्षण से। अगला प्रश्न है, जांच आधारित परियोजना आधारित और सहयोगात्मक सीखने की प्रवृत्ति है? जांच आधारित परियोजना आधारित और सहयोगात्मक सीखने की प्रवृत्ति है परिशिक्षण से। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय का प्रबंधन या संचालन किया जाता है प्रधान्याध्यापक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में आर्थिक हल वित्तीय प्रबंध कौन करता है? विद्यालय में आर्थिक हल वित्तीय प्रबंध करता है प्रधान्याध्यापक या प्रधान शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर निरीक्षण का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? विद्यालय स्तर पर निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में संरक्षक के रूप में कौन होता है? विद्यालय में संरक्षक के रूप में होता है विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक जी। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? निष्ठा कार्यक्रम संबंधित रहा है शिक्षा से। अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? निष्ठा कार्यक्रम संचालन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षक में गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम में किस स्तर के शिक्षक की भागीदारी रहती है? निष्ठा कार्यक्रम में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षक की भागीदारी रहती है।
अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम का संचालन निम्न में से किसके दौरान संचालित हुआ? तो दोस्तों यह संचालित हुआ कोरोना बंदी के दौरान। अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित हुई है? निष्ठा कार्यक्रम संचालित हुई है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम किस रूप से चलाया गया? निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया मोबाइल नेट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस को किस रोग के रूप में नामित किया गया है? कोरोना वायरस को कोविड-19 के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाश में आया? कोरोना वायरस सर्वप्रथम प्रकाश में आया 2019 में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस देश से फैला था? कोरोना वायरस फैला था चीन देश से।